अभिषेक जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे पास एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड हैं 66 के रेट से, 145 सेल्स। तो सर मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स के लिए सर। 66 कब लिया था भैया? सर ये 2010-11 में लिया हुआ है सर। 2010 में, यानी 13 साल पहले। गावा जी ना चार्ट देखिए, 2010 में 66 रुपये भाव था क्या कुबोटा का स्कॉट्स में? यार कमाल कर दिया अभिषेक बाबू आपने तो। मतलब 109 रुपया था 8 में। बाय गॉड, 10 में शायद नहीं सर, ये दिख रहा सही कह रहा है अभिषेक भाई। बिल्कुल भाई अभिषेक जी, आपको तो मतलब कितनी टन्स ऑफ बधाई कि आपने बहुत शानदार मतलब ये अगेन देखिए, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग स्टोरी कैसे होती है, और आपकी भी बिल्कुल वैसी स्टोरी। 66 रुपये का माल 3300 रुपये हो गया है, तो अभी क्या बेचना चाहते हैं क्या आप? क्या मूड है आपका? नहीं सर, अभी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। अभी मैं जानना चाहता हूँ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए इसका फ्यूचर क्या है सर। गावा सर 10 साल के लिए बताइए क्या चार्ट है। उज्ज्वल उज्ज्वल फ्यूचर उज्ज्वल है। भविष्य बहुत उज्ज्वल है भाई, एस्कॉर्ट्स कुबोटा का रेलवे से बहुत काम मिल रहा है इनको। फ्यूचर नहीं पूछना चाहिए, फ्यूचर उज्ज्वल है एकदम। आप एब्सोल्युटली सेफ रहे, आपकी कॉस्ट कुछ जीरो है, आप इसको इनहेरिटेंस दीजिए, जब जिस दिन डिविडेंड मिलता है उस दिन एक्स्ट्रा स्टॉक खरीद लीजिए, री इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका अच्छा मुनाफा होगा। अभिषेक जी आपको अफसोस हो रहा है कि आपने 145 शेयर क्यों लिए थे? नहीं 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 सर, मेरे पास 200 शेयर थे पहले। हाँ, लेकिन मैंने वो 1000 के आसपास थोड़ा 55 शेयर सेल किया और मेरा कॉस्ट अभी जीरो है सर। अरे तो अब तो आपको डबल अफसोस होना चाहिए कि वो क्यों बेचे मैंने। हाँ सर वो लेकिन सर मेरे सेल करने के बाद में वो कुबोटा के साथ जॉइंट वेंचर हुआ है एस्कॉर्ट्स का। हाँ वो तो खैर अभी बहुत पूछना चाहिए, रिसेंट हुआ एक दो साल पहले। हाँ सर जी। अभिषेक जी चलिए फिर इसको आप होल्ड करिए सर, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, और इसके जो जो भी बिजनेसेस हैं अलग अलग सेगमेंट में जो काम करते हैं बहुत मजबूती से काम करते हैं, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपको तो वैसे ही फ्री के शेयर है, पड़े रह दीजिए, हो सकता है यहाँ से 5000-10000 रुपये हो जाए। तो बहुत बधाई आपको, आपने एक बेहतरीन ट्रेड लिया। अगेन ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी है कि आप शेयर अगर ले के रखते हैं और अच्छा बिजनेस समझते हैं तो आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है मनीष शुक्ला का, कानपुर से। मनीष जी बताइए। सर मेरे पास डिवी स्लैब है 10.3438 के रेट से और दीपक नाइट्राइट है 20.1986 के रेट पे। ओके, हम डिवी स्लैब से निकल के सीडीएसएल में पैसा डालना चाहते हैं तो क्या ठीक रहेगा? और दीपक में क्या करना चाहते हो? दीपक पे सर अभी होल्ड करना चाहते हैं, अब आप जैसा सजेस्ट करें। गावा सर एक एक लेते हैं पहले। डिवीज लैब में 10 शेयर लिया है 3438 के भाव पे, अब ये चाहते हैं कि इसको बेच के सीडीएसएल ले लिया जाए, क्या राय है आपकी? वेल डिवीज लैब मुझे स्टॉक तो पसंद है क्योंकि जो लो देखा हमें डिवीज लैब का 3000 के आसपास वो बॉटम आउट है, यहाँ से अपमूव मिलना चाहिए मुझे, 4500 से 4800 ये जोन है वहां तक जाना चाहिए, तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसमें निकाल कर आपको सीडीएस डालना है, दूसरी बात है उसकी बात करते हैं। और दूसरा स्टॉक जो कौन सा बताया इन्होंने, दूसरा दीपक नाइट्राइट 1986। ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया है, आज आपको मिला है, बेस बना हुआ है, कंसोलिडेशन है, 1600-1700-2000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर भी एक अपमूव मिलेगा 2350 अपमूव, तो दोनों में मिलेगा, तो जिसमें अपमूव मिलने वाला है उसको बेचकर आप सीडीएसएल लेना चाहते हैं। वेल सीडीएसएल भी अच्छा स्टॉक है, ले सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है 1300 के आसपास, यहाँ पर भी अपमूव मिलेगा, करीब 1500-1600 भी जा सकता है, तो आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ना करे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों ही में स्टॉक होल्ड है। तो भाई दोनों ही होल्ड है शुक्ला जी, आप का अगर दिल कर रहा है कि वो ज्यादा अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो दोनों होल्ड कर सकते हैं आप, दीपक नाइट्राइट भी और डिवीज लैब भी, और मन करे तो आप अलग से और पैसा हो तो सीडीएसएल ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है सुभाषीष का, भिवंडी महाराज से। सुभाषीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ नीरज जी। अरे सर क्या बात, शेयर मार्केट का बाद भी जब आप पॉलिटिकल्स के लिए जब इंटरव्यू करते हो भी मैं आपको देखता हूँ और फॉलो करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए सर। सर मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर का शेयर था 290 का प्राइस है, 100 शेयर 290 का है और 100 शेयर 285 का है। ओके,
और मैं सर होल्ड कर सकता हूँ कम से कम जब तक कम से कम 15-20% प्रॉफिट ना हो, चाहे एक साल हो या दो साल हो। कम से कम 20% प्रॉफिट चाहिएगा वैसे चंबल फर्टिलाइजर में, समय की पाबंदी नहीं है, बताइए कब तक मिलेगा। चंबल फर्टिलाइजर 400 तक जा सकता है लेकिन उसे वक्त लगेगा। अब बेस बनाए 250 में, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो लगता है ब्रीच नहीं होगा, ऊपर नीचे जाएगा, स्लो जाएगा, लेकिन 350-400 तक जाना चाहिए। तो यस इट्स अ होल्ड, साल डेढ़ साल में जाएगा, लग सकता है अपने, लेकिन लगता है आपको मिलना चाहिए क्योंकि जो बेस बनाया बढ़िया बेस है चंबल फर्टिलाइजर। तो बने रहिए सुभाषी जी इसमें, चूंकि कल देखिए आपने सारे फर्टिलाइजर शेयर के आप मस्त चल रहे थे, तो ये भी चलेगा देर से बेर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 15-20% जो आपने टारगेट रखा है वो साल डेढ़ साल में जरूर मिल जाएगा इसमें। हाँ सर, कल भी सारे फर्टिलाइजर सेक्टर ऑलमोस्ट 10-5% ग्रोथ किया, बट ये हुआ नहीं किसी। वो आप गौर करिएगा ज्यादातर वो सरकारी वाले चल रहे थे, जितने फर्टिलाइजर कल चल रहे थे वो PSUs थे जी, तो वो कई बार PSU की स्टोरी थोड़ा अलग चलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल है दत्ताराम सांगले का, ठाणे महाराष्ट्र से। दत्ताराम जी बताइए सर। सर मेरे पास एयरकॉन के शेयर थे, 45.18 में मैंने लिए थे 400 शेयर। क्या करना चाहिए इसको, क्या नहीं इसको, मैं 2-3 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ अगर करना है या पैसे अभी निकलो। हो तो गया 3 गुना पैसा गावा सर, 3 गुना हो गया भाई। कौन सा वाला? एयरकॉन। एयरकॉन यार ओके, 2-3 साल होल्ड करें कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करना भी चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन मुझे लगता है 140 में जो बेस बना है एयरकॉन का बढ़िया है। अब यहाँ से एक फ्रेश अपूं शुरू होगा, अब ये 200 की तरफ जाए, मैटर ऑफ टाइम, बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, स्टिक ऑन टू इट। तत्ताराम जी होल्ड करिए इसको, ये और ऊपर जाएगा, और आपका तो बहुत नीचे का प्राइस है, आपको बिल्कुल अब आपका ऑलमोस्ट एकदम फ्री टाइप का ही शेयर हो गया, 3-4 गुना हो ही चुका आपका इसमें, तो होल्ड करिए इसमें। 140 पे अच्छा बेस बनाया, यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता इसमें साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।